हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनिल काटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप पढ़ेंगे कोल्ड चेन के बारे में, ठीक है। जो भी इंडिया में वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में बात करेंगे। कोल्ड चेन है, उसे CHO की एग्जाम और नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम उसमें से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी वैक्सीन है वो कितने टेम्परेचर पर हम स्टोर करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या फैसिलिटीज होती है उसके बारे में। तो ठीक है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वो कई बार ILR है, जो रेफ्रिजरेटर है, और जो वैक्सीन स्टोरेज है उसके टेम्परेचर के बारे में आ जाता है, ठीक है, और जो कैरियर्स है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारी एप्लीकेशन ओम नर्सिंग अकेडमी उस पर कोर्स अवेलेबल है, ऑल इन वन कोर्स अवेलेबल है। वो है 999 रुपये में एक साल के लिए। उसमें आप एम्स नॉट सेट के साथ साथ में अदर स्टाफ नर्स, जो भी स्टेट स्टाफ नर्स है एग्जाम में, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, प्लस में CHO एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। हर तरह की एग्जाम है उसकी, उसके लिए आपको कंटेंट मिलेगा सिर्फ 999 रुपये में एक साल के लिए। और इसके साथ में जो इस कोर्स में आपको PDF देखने को मिलेगी, वो भी डाउनलोड ऑप्शन के साथ में। हमारी जितनी भी PDF है आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेगा टेस्ट देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर है वो देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट के MCQ, जो भी सब्जेक्ट के टेस्ट है वो देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो भी नॉन नर्सिंग पार्ट है जैसे GK रीजनिंग है उसके MCQ देखने को मिलेंगे, और जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वो देखने को मिलेंगे। इसमें लाइव सेशन नहीं मिलेंगे, इसमें रिकॉर्डेड जो भी वीडियो लेक्चर है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब अपना हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या है? जो भी वैक्सीन है उसके निर्माण से, उसके मैन्युफैक्चर से लेकर उसके एडमिनिस्टर करने तक जो भी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो कोल्ड चेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोल्ड चेन देखिए, यह वैक्सीन के निर्माण से लेकर उसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी उपयोग में आने तक, जो भी वैक्सीन को हम स्टोरेज करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? कोल्ड चेन के अंतर्गत, ठीक है। समझ गए कोल्ड चेन के बारे में। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो सीधा आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, जो जितनी चीजें आपके काम में आएगी सिर्फ उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो होते हैं तीन। उसमें सबसे पहले आएगा पर्सनल। पर्सनल क्या होते हैं? जो भी कर्मचारी जो भी कोल्ड चेन के लिए काम कर रहे हैं, उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वो इसके एलिमेंट है। सेकेंड इक्विपमेंट, आप क्या क्या इक्विपमेंट काम में लेते हो? जो भी वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए, कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए आप कौन से जो भी इक्विपमेंट काम में लेते हो वो। थर्ड है प्रोसीजर, जो भी वैक्सीन है उसके जो भी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोसीजर काम में लेते हैं वो। ये क्या है? इसके इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट की वैक्सीन के बारे में। OPV जो भी ओरल पोलियो वैक्सीन है, साबिन वाली की बात कर रहा हूँ, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, उसके वो क्या है? वो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, वो कौन सी है? पोलियो। और इसका कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं? -20°C -20°C टेम्परेचर पर उसको स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ उसके लिए, अगर रूटीन स्टोरेज करना आपको OPV का रूटीन स्टोरेज करना है वो कितने पे होगा? 2°C टू +8°C, ठीक है। ये क्या है? रूटीन स्टोरेज, मतलब आपने वाइल है वो आपने एक बार जो भी पोलियो वाली वाइल है वो ओपन कर ली, ठीक है, अब आप उसको एडमिनिस्टर करने तक उसको जो भी रूटीन स्टोरेज है उसको शॉर्ट टाइम तक स्टोरेज करोगे, वो आपको +2°C टू +8°C तक आपको उसको क्या करना है? उसको स्टोर करना है, ठीक है, उस टेम्परेचर पे उसको रखना है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरेज, अगर आपको जो भी पोलियो की वाइल है उसको आपको लंबे टाइम तक उसको स्टोर करना है, तो क्या क्या टेम्परेचर रहेगा? -20°C टू -40°C, ठीक है। मेजर्स के लिए भी इतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है। मेजर्स भी क्या है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। लेकिन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? वो होती है डाइल्यूटेड या रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG। वो जो भी पोलियो वैक्सीन है उससे भी ज़्यादा क्या होती है? हीट सेंसिटिव होती है। यहाँ पे सिर्फ वैक्सीन का नाम आएगा तब हम बोलेंगे पोलियो। अगर आपके जो भी ऑप्शन में उसमें ये आ जाए रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन, तो वहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन, उसके बाद में पोलियो वैक्सीन।
नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो भी पोलियो और मिजल्स की वैक्सीन है हम उसको कौन से कंपार्टमेंट में रखते हैं, जो भी फ्रिज कंपार्टमेंट है उसके अंदर रखते हैं। नेक्स्ट टाइफॉइड वैक्सीन और टीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, बीसीजी, डाइल्यूट्स, इनको हम कभी भी फ्रीज नहीं करते, इनको हम कभी भी फ्रीज नहीं करते, इनको +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको क्या रखते हैं, स्टोर रखते हैं। ठीक है, टाइफॉइड, टीटी, बीसीजी, डाइल्यूट्स, इसको कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो कितना होगा +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्लस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर आपको सरप्राइज करने के लिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो वो भी क्या कर सकते हैं, -2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में +2 डिग्री सेंटीग्रेड आए या +8 डिग्री सेंटीग्रेड आए तो ये सही है, अगर ऑप्शन में प्लस भी नहीं दिया हो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो वो भी सही है। ठीक है, लेकिन माइनस मत कर देना, उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे येलो फीवर वैक्सीन, वो कितने पे स्टोर करेंगे, -32 +5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए विटामिन ए, विटामिन ए को हम कोल्ड चेन में नहीं रखेंगे, उसको हम किस पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे, उसको हम आउटसाइड रखते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कोई भी पूछ ले विटामिन ए उनको आप कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखोगे, तो रूम टेम्परेचर पे रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट तो अब आप बात करते हैं मिनिमम लेवल स्टोरेज पे। ठीक है, तो मिनिमम लेवल स्टोरेज है वो कहाँ पे होगा, वो होगा पीएचसी। इंडिया में मिनिमम लेवल ऑफ कोल्ड चेन स्टोरेज वो है पीएचसी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट किया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, तो मिनिमम लेवल पे होता है सब सेंटर, लेकिन हम वहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे, सब सेंटर पे वैक्सीन वैक्सीनेशन वाले डे पे ही पहुँचेगी। ठीक है, जो भी वैक्सीन है अगर आप सब सेंटर पे लेके जाओगे तो वो आप कब लेके जाओगे, उस दिन जिस दिन इम्यूनाइजेशन होगा, वैक्सीनेशन होगा उसी दिन। ठीक है, लेकिन स्टोर हम कहाँ पे कर सकते हैं, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल, जो भी हॉस्पिटल है वहीं पे, सब सेंटर पे कभी भी वैक्सीन स्टोर नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट पीएचसी पर कोल्ड चेन का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए एक हम थर्मोमीटर काम में लेते हैं, वो कौन सा है, वो होता है डायल थर्मोमीटर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, पीएचसी पे आपको जो भी कोल्ड चेन है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसको नोट करना है, उसको मेजर करना है, तो उसके लिए हम कौन सा थर्मोमीटर काम में लेते हैं, वो होगा डायल थर्मोमीटर। नेक्स्ट इसमें देखिए मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा चांस जो भी कोल्ड चेन है उसके फेल होने के कहाँ पे रहते हैं, विलेज लेवल पे, सब सेंटर पे। ठीक है, जो भी सब सेंटर है और विलेज लेवल है वहाँ पे सबसे ज्यादा चांस रहते हैं आपके कोल्ड चेन फेल्योर के। एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ये यहाँ पे आप तीन क्वेश्चन देख सकते हो, तीनों एग्जाम में आए हैं, आगे भी इनके आने की संभावना बनी रहेगी। अगर आप सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टाफ नर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं कोल्ड चेन सप्लाई की। कोल्ड चेन सप्लाई, आपको ये पता होगा कि वैक्सीन है वो कहाँ से बनती है, कहाँ पे जाती है। ठीक है, तो वैक्सीन है वो कहाँ पे बनेगी, जो भी मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, जो भी जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चर एरिया है वहाँ पे वैक्सीन बनती है, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके आपकी नेशनल जो भी स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पे आती है, वहाँ से आपने भेजा उसको रीजनल हॉस्पिटल में। ठीक है, आपके जो भी रीजनल बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से आपने इसको भेजा जो भी आपके हेल्थ सेंटर है वहाँ पे, उसके बाद में आपने वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया जो भी घर घर है या आपके जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, कोल्ड चेन है। आपने देखो बनी यहाँ पे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर आपको इसको मैनेजमेंट करके रखना है तो वो कोल्ड चेन के अंतर्गत आता है। वैक्सीन को स्टोर से लेके उसके ट्रांसपोर्ट तक, ठीक है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, वो क्या है, कोल्ड चेन सप्लाई। समझ गए, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कोल्ड चेन कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स लेवल इन इंडिया। ठीक है, जो इंडिया में कौन कौन से इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स काम में लिए जाते हैं कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए, हम उस पर बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, देखिए
यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ILR इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने स्क्रीन पे ILR का इमेज है, ठीक है, ये क्या है, ये है ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, क्या है ILR, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ ILR कोल्ड चेन इन इंडिया वो कितना होगा, वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो होगा +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑफ ILR वो क्या, वो भी बताया था मैंने, वो होगा किसके द्वारा, डायल थर्मोमीटर, ट्वाइस डेली, दिन में कम से कम 2 बार आपको जो भी थर्मोमीटर से उसका मेजर करना है टेम्परेचर, उसके लिए कौन सा थर्मोमीटर काम में लेंगे, डायल थर्मोमीटर। ILR इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ ऑल वैक्सीन, जो भी ILR है वो सभी तरह की वैक्सीन के लिए स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ILR, जो भी ILR है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, हम उसके टाइप के बारे में देखेंगे, 300 to 240 liters लार्ज ILR सप्लाइड टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे बड़े जो भी लार्ज ILR है, लार्ज ILR ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे देखने को मिलेंगे, और जो भी स्मॉल ILR है, ठीक है, वो 140 लीटर के हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे PHC HCHC है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट बात, ILR कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इफ प्रोवाइडेड विद इवन 8 hours इन अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी पर डे, मतलब आप कंटिन्यू ILR को 8 घंटे तक अगर उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है अनइंटरप्टेड, तो वो आपको पूरा एक दिन तक उसके कोल्ड चेन को मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है, ये है ILR के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वॉक इन कूलर्स, वॉक इन कूलर्स के बारे में, जो भी वॉक इन कूलर्स है ये क्या होते हैं, बड़े साइज के तरीके से ठंडे रूम होते हैं, ठीक है, जो बड़े साइज के एयर कंडीशन कोल्ड रूम होते हैं, और ये इसका टेम्परेचर भी उतना ही होता है, कितना, +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने बड़े बड़े रूम में वो काम पे लिए जाते हैं, ये उस एरिया में काम में लिए जाते हैं जहाँ पे वैक्सीन है वो मैन्युफैक्चर होती है बड़ी संख्या में, ठीक है, जहाँ पे आपको लार्ज नंबर में वैक्सीनेशन है वो स्टोर करते हैं, तो वो काम पे हो सकती है जहाँ पे वैक्सीन बनती है, तो वहाँ पे आपको वॉक इन कूलर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे एयर कंडीशनर क्या रहते हैं, वहाँ पे एयर कंडीशनर कोल्ड रूम होते हैं, ठीक है, कहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है बड़ी संख्या में, वहाँ पे आप छोटे छोटे जो भी वैक्सीन कैरियर्स है ILR है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, वॉक इन कूलर्स, ठीक है, बड़े साइज के क्या रहेंगे, एयर कंडीशनर कोल्ड रूम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड बॉक्स, कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में कभी भी कंफ्यूज मत होना, कोल्ड बॉक्स के मैं बारे में बताता हूँ, ये क्या है, बिग साइज के रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, इनकी साइज 90 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, ये इंसुलेटेड मटेरियल से बने होते हैं। इंसुलेटेड मटेरियल क्या होता है, इंसुलेटेड मटेरियल क्या होता है, ये अगर आप कोई भी ऐसे बॉक्स है जिसके अंदर आप गर्म चीज डालोगे तो वो गर्म रहेगी, अगर ठंडी चीज डालोगे तो वो ठंडी रहेगी, ठीक है, तो इस टाइप के जो बॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटेड मटेरियल बॉक्स, ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर आपको 24 आइस पैक है वो रख सकते हो, और जो मेंटेन करके रखते हैं उसके टेम्परेचर को कितने टाइम तक, लगभग 5 दिन तक, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड बॉक्स। नेक्स्ट इसमें देखिए वैक्सीन वैंस, वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए वैक्सीन वैंस की सहायता पड़ती है, ये क्या है, इंसुलेटेड वैंस होती हैं जो वैक्सीन को एक बड़ी मात्रा में क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करनी है अगर, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, वैक्सीन वैंस है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, क्या है, इंसुलेटेड वैंस होती है, ठीक है, मतलब जो भी टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखती है, ठीक। नेक्स्ट है वैक्सीन कैरियर्स, पिछली बार क्वेश्चन आया था वैक्सीन कैरियर्स के बारे में कि वैक्सीन कैरियर्स है, ठीक है, इसके अंदर आप कितनी वायरस रख सकते हो और कितने आइस पैक रख सकते हो, ठीक है, तो ये क्या एक थर्मली इंसुलेटेड बॉक्स होता है जो मोस्टली कहाँ पे काम में लेते हैं, हम जो भी PHC है वहाँ पे काम में लेते हैं वैक्सीन को कैरियर करने के लिए, इसमें आप एक बार में 16 से 20 वैक्सीन से वायल है वो रख सकते हो, ठीक है, और इसके अंदर लगभग कितने आइस पैक रखे जाते हैं, इसके अंदर लगभग 4 आइस पैक रखे जाते हैं,
ठीक है। और नेक्स्ट है, इसके अंदर जो भी वैक्सीन है वो आप 12 घंटे तक इसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो। किसके अंदर? वैक्सीन कैरियर के अंदर। इसके अंदर आपको 4 कंडीशनल आइस पैक है वो रखने को मिलते हैं, ठीक है। वैक्सीन कैरियर आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जो गाँव में ANM है या कोई भी हेल्थ केयर स्टाफ है, अगर वो पोलियो की वैक्सीन लेके जा रहा है तो वो किस में लेके जाता है? वो वैक्सीन कैरियर्स में लेके जाता है, ठीक है। उसके अंदर आप 4 आइस पैक देखने को मिलेंगे। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो भी वैक्सीन है उसकी कितनी वायल रख सकते हो? 16 से 20। ये दोनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आइस पैक्स की। आइस पैक क्या है? ये प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं। ये क्या है? फ्लैट प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं जिसमें पानी भरा जाता है और उसको फिर जमाया जाता है, ठीक है। क्या है उनको किया जाता है? फ्रोजन इन डीप फ्रीजर उनको जमाया जाता है वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वैक्सीन कैरियर में हम क्या रखते हैं? आइस पैक्स रखते हैं। और जो भी आपने वैक्सीन बॉक्स देखा होगा उसमें भी हम क्या रखते हैं? आइस पैक्स रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भी आइस पैक है वो कब काम में ली जाती है? अगर आपने कोई भी वैक्सीन है वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है या उसको ओपन कर लिया, उस टाइम पे आइस पैक है वो काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ये किस में काम लेते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट मीजल्स वैक्सीन, BCG वैक्सीन, अगर आपने उसको खोल लिया है तो उस टाइम पे आप आइस पैक है उसके अंदर उसको रख सकते हो, ठीक है। ये क्या इसके बारे में है? आइस पैक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर में मैंने डायल थर्मोमीटर के बारे में बताया था भी, ठीक है। तो इसमें देखिए दो तरीके के थर्मोमीटर काम में लिए जाते हैं, डायल थर्मोमीटर और जो भी स्टेम है एल्कोहल थर्मोमीटर है उनके उनको काम में लिया जाता है, ठीक है। जो भी टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए। इसमें देखिए एल्कोहल थर्मोमीटर है वो मोर सेंसिटिव होता है। क्या होता है? मोर सेंसिटिव और एक्यूरेट होता है, क्योंकि जो भी टेम्परेचर है ये रिकॉर्ड कर सकता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू +50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है? मोर सेंसिटिव होता है जो भी टेम्परेचर के लिए। कौन सा? स्टेम एल्कोहल थर्मोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए FIFO, FIFO क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपने कोई वैक्सीन खोल ली है तो आप उसको सबसे पहले काम में लोगे, उसके बाद में उसको सबसे पहले उसको डिस्कार्ड करोगे, ठीक है। वैक्सीन रिसीव्ड फर्स्ट शुड बी डिस्पेस्ड फर्स्ट, ठीक है। जो भी वैक्सीन आपने पहले खोली है आप उसी को पहले काम में लोगे और उसी को पहले आप डिस्कार्ड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है EEFO। ये क्या है? अर्लीस्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। आप मतलब कोई भी जो भी वैक्सीन है उसकी एक्सपायरी डेट है वो पास में आ रही है तो आप उसी को पहले काम में लोगे। ये नहीं कि जो भी नई वैक्सीन आई है आप पहले उसको काम में लो, नहीं, जिसकी एक्सपायरी डेट पहले आ रही है आप उसी वैक्सीन को काम में लोगे। अर्ली एक्सपायरी डेट वैक्सीन शुड बी गिवन फर्स्ट एंड आर टू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल दैट आर मेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये अभी मैंने फर्स्ट इसके बारे में बात की थी, ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने बात की थी। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ हीट स्टेबिलिटी। हम इसके बारे में बात करेंगे, कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, ठीक है। तो जो भी BCG वैक्सीन है, अगर BCG वैक्सीन आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूट, अगर आपने BCG वैक्सीन को डिजोल्व कर लिया है उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। मैं BCG वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली जो भी रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन है उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए BCG पोलियो इनमें से कौन सी वैक्सीन है वो हीट सेंसिटिव है, तब आपको पोलियो आंसर सही करना है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन, जो भी रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन है, इन दोनों में से कौन सी वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, तब राइट आंसर क्या होगा? वो होगा रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन, वो सबसे ज्यादा क्या है? हीट सेंसिटिव है, ठीक है। अगर आपने BCG वैक्सीन को डाइल्यूट कर दिया है, उसे वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, तो वो क्या है? सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है, पोलियो की तुलना में। अगर रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है तो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होगी? वो होगी पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और लिस्ट होती है लिस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, मतलब कम की बात कर रहा हूं, तो वो होगी टीटी, टिटनेस टॉक्साइड, ठीक है। तो ये था कोल्ड चेन के बारे में।
अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्टाफ नर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। ये नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स अवेलेबल है 699 रुपये में, CHO एग्जाम का कोर्स अवेलेबल है 399 रुपये में, और एक कोर्स और अवेलेबल है, वो है 999 रुपये में। उसके अंदर सभी तरह की एग्जाम है वो उसके अंदर आएगी, चाहे उसमें एम्स, नॉर्थ सेट हो, अलग अलग स्टेट स्टाफ नर्स की एग्जाम हो, अलग अलग स्टेट के CHO एग्जाम हो, ठीक है, वो सभी आता है 999 रुपये में। उसमें आपको PDF, मेगा टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब्जेक्ट टेस्ट, नॉन नर्सिंग पार्ट और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, वो सब देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन है ओम नर्सिंग अकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पे जाके चेक कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, और जो कोर्स है आप स्टोर ऑप्शन में जाके उसको बाय कर सकते हैं, और आप अपनी जो भी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन है उसका लिंक अब हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।